हिमाचल प्रदेश में विशेष बच्चियों को आगे बढ़ने और उनकी छिपी प्रतिभा का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लाने के लिए स्पेशल ओलंपिक पार्क की प्रदेश इकाई लगातार विशेष प्रयासों में जुटी हुई है, जहां एक और प्रदेश के कई विशेष बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड व सिल्वर मेडल सहित इनाम राशि जीती है। तो वही अब स्पेशल ओलंपिक पार्क द्वारा हिमाचल प्रदेश की नाराकंडा व मनाली में स्नो इवेंट्स और बिलासपुर में फ्लोर बॉल और हॉकी से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन भी किया गया। हिमाचल प्रदेश में विशेष बच्चों को आगे बढ़ाने और उनकी छिपी प्रतिभा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लाने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रदेश इकाई लगातार प्रयास कर रही है। जहां एक ओर प्रदेश के कई विशेष बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड व सिल्वर सहित इनाम राशि भी जीती है, तो वहीं अब स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा हिमाचल प्रदेश के नारकंडा व मनाली में स्नो इवेंट्स और बिलासपुर में फ्लोरबॉल और हॉकी से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशल ओलंपिक भारत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मल्लिका नड्डा विशेष रूप से मौजूद रही। बैठक के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं को लेकर चर्चा की गई। मल्लिका नड्डा ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए प्रदेश में आयोजित होने वाले स्नो इवेंट सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में विजेता व उप विजेता एथलीट्स का चयन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश के एथलीट्स द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जा चुका है, तो वहीं इस बार भी 20 से 21 फरवरी को स्वीडन में आयोजित वर्ल्ड विंटर गेम्स को लेकर बैठक पर चर्चा की गई, ताकि देश व प्रदेश के बेहतरीन एथलीट्स का चयन किया जा सके, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। स्पेशल ओलंपिक्स भारत और स्पेशल ओलंपिक्स हिमाचल प्रदेश द्वारा विशेष बच्चों के विकास के लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स की प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित होती हैं। आज हम सब यहाँ हिमाचल प्रदेश चैप्टर के AGM के लिए उपस्थित हुए हैं और 12 जिलों के हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स और NGOs जो स्पेशल ओलंपिक्स के अंतर्गत जुड़े हैं, उन सब की आज विशेष बैठक थी। और इस बैठक में हमने आगामी वर्ल्ड विंटर गेम्स जो स्वीडन में फरवरी 2021 में होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हेतु हम उपस्थित हुए हैं। स्नो इवेंट्स नारकंडा और मनाली में होने जा रहे हैं, नेशनल लेवल के गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और बिलासपुर में फ्लोर हॉकी एंड फ्लोर बॉल जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन्हीं के प्रतियोगिताओं के पश्चात जो एथलीट सिलेक्ट होंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। हमें हर्ष है और गर्व है कि हिमाचल प्रदेश के विशेष बच्चों ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन वर्ल्ड समर गेम्स आबूधाबी में किया है और इसके पूर्व ऑस्ट्रिया के वर्ल्ड विंटर गेम्स में किया है, और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आगामी स्वीडन के वर्ल्ड विंटर गेम्स में भी हिमाचल प्रदेश के विशेष खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और प्रदेश और देश को गौरवान्वित करेंगे।